नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ना मेले में आने से पहले ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार 6 बजे उठा देते आते नहीं है, फोन कर रहे हो सबको मक्खियों की तरह फोन नहीं भाई कसम से रतन ने 80,000 को सूझ दिए है जिसमें मेरा घर जाएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, 5:30 बजे मैं उठ गया था और अभी बजे है 6 और फिलहाल काफी टाइम के बाद वापस क्रिकेट चालू किया है क्योंकि यार है ना, जब क्रिकेट छोड़ा था तब बारिश का सीन हो चुका था, आपको पता ही होगा क्योंकि जो मेरे लास्ट के व्लॉग है उसमें भी है ना, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तब बारिश आई थी बीच में, तो उसकी वजह से क्रिकेट बंद करना पड़ा। फिलहाल अभी क्रिकेट चालू हो चुका है, मुझे गए हुए 3 दिन हो चुके क्रिकेट में और सीरियसली बोलो ना काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है और आज मेरा क्रिकेट का 4th दिन है। तो आई होप कि यार है ना ज्यादा जने भी आ जाए क्योंकि यार है ना एक बार सब जने अगर बिछड़ जाए तो यार वापस है ना सबको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो वही अभी हो रहा है। हियर इज मा और मम्मी, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो एक बार। सब ऐसे जोर से बोलोगे वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड गाइस एक बात और कि जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, उसके मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ। तो यार वैसे तो मेरे देखो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन जो 4000 घंटे है वो यार है ना सीरियसली बोलू ना तो यार वो इतना मुश्किल से हो रहा है लेकिन मैं बहुत करीब हूँ उसके। आई होप कि जल्दी हो जाए और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जितना हो सके ताकि यार है ना इसी व्लॉग से मेरा जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए। बस थोड़े ही घंटे बाकी है और आई होप कि यार है ना बस हो जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी हेल्प जरूर करना। एंड गाइस यार है ना जो मैंने एक वीडियो बनाया था बीच में कॉमेडी वीडियो द मास्क बंद करके, तो सीरियसली बोलो ना तो यार उसकी परफॉर्मेंस यार है ना अच्छी नहीं गई। अभी उसके ऊपर अभी तक 400 व्यूज भी नहीं हुए है जो कि यार है ना सीरियसली बोलो ना जब भी मैं उस वीडियो को देखता हूँ ना तो इतना बुरा लगता है क्योंकि यार उस वाले वीडियो पे इतनी मेहनत लगी थी ना सीरियसली यार। 3 दिन का शूट था, वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में 3 दिन एडिटिंग में लग गए, तो यार 6 दिन का पूरा वर्क था और सीरियसली यार इतना कामकाज करने के बाद भी उसके ऊपर है ना व्यूज नहीं आए। तो यार है ना मैं इस वीडियो में ये ना इस व्लॉग में ये ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा द मास्क बंक की, तो प्लीज यार है ना जिसने अभी तक नहीं देखा हो तो वो जाकर देख लेना। तो चलो यार फिलहाल अभी मैं रेडी हो जाता हूँ और चलते हैं कॉलेज क्रिकेट खेलने। काफी टाइम हो गया था इसको चलाए हुए, तो चलो गाइस फिलहाल अभी धन्नो को बाहर निकाल कर और चलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। यानी गाइस आपको मैं आज का वेदर बता देता हूँ कि बहुत ही ठंडा हो रखा है यार कसम से। तो सुबह साइकिलिंग करने का रही यार बहुत मजा आता है गाइस और बॉडी भी फिट रहती है। और हाँ 3 महीने पहले यार मेरा वेट है ना जो 105 किलो था ना, सीरियसली बताऊँ ना अब मेरा वेट है 92 किलो, तो अभी धीरे धीरे प्रोसेस है। एंड गाइस मैंने शेखर को कॉल किया था लेकिन शेखर तो कहीं गांव गया हुआ है तो आ जाएगा नहीं, और रोहित का मैंने कॉल किया था लेकिन उसका लगा नहीं। तो फिलहाल जैसे ही मैं घर से निकला ना तो फिर उसका कॉल आ चुका था, तो उसने भी बोला कि मैं आ रहा हूँ। वैसे अगर यार मेरे बाल इधर उधर हो रहे हो तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना, जस्ट मेरे लॉटरी क्लब। जी लॉटरी क्लब। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और सबका भला हो। ध्यान से तो गाइस अभी ज्ञानेश भी मिल गया, ज्ञानेश भी आ रहा है खेलने के लिए। तो चलो गाइस फिलहाल अभी हम आ गए हैं कॉलेज ग्राउंड में एंड वो रहे इतने सारे हमारे ही प्लेयर और जस्ट पीछे मेरे ज्ञानेश भी आ रहा है। तो चलते हैं अभी, वैसे यार ना स्टार्टिंग में तो कम दिन आएंगे लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा ना वैसे वैसे। तो अभी ज्ञानेश भी आगे चला गया, तो अभी फिलहाल तो स्टार्टिंग में तो यार ना वापस इकट्ठा करना मुश्किल है प्लेयर्स को, लेकिन
शादी लग रहा है कि काफी जन आए हैं, चलो जाके देखते हैं कि कौन कौन आया है। तो गाइस प्लेयर तो आए लेकिन ये दूसरे टीम के हैं और फिलहाल अभी हम आपको मिलवाते हैं अखिल भाई से। तो अखिल भाई क्या है यार, लोग आए नहीं? सर चूते हैं, 6 बजे उठा देते हैं, आते नहीं है, फोन कर रहे हो सबको, मक्खियों की तरह फोन ही उठा रहे हैं। ज्ञान जी टाइम पे आए, आप टाइम पे आए, ज्ञान जी मेरा थोड़ा लेट हो गया, शेखर आएगा नहीं आज। तो चलो गाइस फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और कर ही क्या सकते हैं। और भाईजान सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ब्लॉग में आने वाले हो? तो गाइस फिलहाल अभी यार वेट ही कर रहे हैं, कोई प्लेयर वगैरह आए नहीं हमारे। और अश्विन भाई गुड मॉर्निंग, काफी दिन बाद ब्लॉग में आए, लेट बहुत आ रहे हो, लेट बहुत आ रहे हो, काफी ज्यादा टाइम हो गया। चलो गाइस फिलहाल हम टॉस जीत गए और हमारी बैटिंग है पहले। एंड गाइस यार फिर से मुझे पता था कि जब भी ब्लॉग बनेगा ना तब मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ। पिछले 3 दिनों में अच्छी बैटिंग कर रहा था लेकिन आज ब्लॉग बना और आउट हो गया यार, कसम से। ये पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है, जब भी ब्लॉग बनता है तब मैं ठीक से नहीं खेल पाता। और स्कोर अगर मैं बताऊँ ना यार, बहुत बढ़िया। और अगर मैं स्कोर बताऊँ ना तो यार स्कोर 5 ओवर में 4 रन बने। शॉट यार। तो चलो गाइस फिलहाल अभी पारी कंप्लीट हो चुकी है। ज्ञान सा और रन कितना बने हमारे? सिर्फ 16। 10 ओवर में 17 रन का टारगेट है, इतना भारी। चलो देखते हैं, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ कीपिंग में। सीरियसली यार मैच काफी भयंकर हुआ और अश्विन भाई हमारे कैप्टन साहब काफी क्लोज लेके गए मैच को, लेकिन अंत तो हार गए। कैसा लग रहा है गणेश भाई, ये तो अगली टीम में थे अगेंस्ट? फिलहाल अभी घर पे जा रहा हूँ और सब जने घर पे चले गए। और सीरियसली बताऊँ ना, मैच काफी क्लोज हुआ और ये मेरे साथ हमेशा हो रहा है कि जब भी मैं खेलता हूँ ना और जब भी ब्लॉग बनाता हूँ, जब भी खेलता हूँ तब अच्छा नहीं खेला जाता। तो चलो गाइस फिलहाल अभी बनवारी भाई की दुकान पे आए थे और जस्ट अभी बाहर बैठे हैं और अश्विन भाई ने मिल्क शेक मंगवाया है, तो पीकर फिर बाद में चलते हैं घर की ओर। तो चलो गाइस फिलहाल अभी घर के लिए रवाना हो चुके हैं। घर पर आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देर यही बैठूंगा यार, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर बैठता हूँ क्योंकि यार पसीना भी हो रखा है, तो पसीना भी सूख जाएगा, फिर चलते हैं अंदर और फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल अभी फ्रेश हो चुका हूँ और अभी नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर चलते हैं ऊपर और मुझे शॉर्ट वीडियो भी बनाने हैं, तो वो भी खाना वाना खाकर फिर बनाना है। तो गाइस अभी खाना वाना खा लिया और अभी बाहर बैठे और बाहर सच में इतनी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, और सुबह का जो मौसम हो रहा है ना, इतना मस्त सुहाना। और इसको देखो अभी मस्त करके सो रहा है। ओए ओए। तो गाइस है ना इस डॉग की है ना एक स्टोरी है जो कि है ना अभी मैं बताता हूँ। काफी टाइम पहले है ना जब हम स्टार्टिंग में यहाँ रहने आए थे ना, तो यहाँ पे है ना पूरा ऐसे जंगल टाइप था, क्योंकि ऐसे पूरे प्लॉट वगैरह बने हुए नहीं थे, पूरी जमीन ही जमीन थी। तो उस टाइम है ना क्या हुआ कि वहाँ एक शॉप है, तो ये डॉग है ना वहाँ पे बैठा था, ठीक है, और जस्ट मम्मी यहाँ थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक दो मुंह वाले एक जानवर आता है जिसको है ना मारवाड़ी में बोगी बोलते हैं, दो मुंह की होती है, वो दोनों तरफ से वो चल सकती है। तो मम्मी जस्ट यहीं पे खड़े थे, झाड़ू वगैरह निकाल रहे थे, आई थिंक बैठे थे, हाँ मैम बैठे थे ना, रात का टाइम था, सुबह का टाइम था, आई थिंक मम्मी झाड़ू वगैरह ही निकाल रहे थे शायद। तो ये बात है ना मुझे मम्मी ने बाद में बताई थी और काफी टाइम पहले की बात है ये। और इतना ये सीरियसली यार इतना वफादार कुत्ता है ना, कसम से यार है ना क्या बताऊं। और उस दिन है ना मम्मी जस्ट बैठे थे और मम्मी का लिटरली ध्यान नहीं गया, जस्ट मम्मी के पैरों के पास है ना वो दो मुंह वाली बोगी आ गई
ठीक है। और इस डॉग ने ना वहां से देखा, इसने नोटिस किया कि है ना मतलब मम्मी के पैरों के पास कुछ है, भागते हुए आया और है ना सीधा है ना मुंह से पकड़कर और है ना फेंक दी। और लिटरली यार इसके तीन दिन तक है ना इसके मुंह में मतलब मुंह के पास है ना सूजन रही। और सीरियसली यार है ना मतलब जब ये बात बताई ना इतना मतलब क्या बताऊँ यार, ये जो ये डॉग है ना स्टार्टिंग से यही रह रहा है। और एक तरह से यार सीरियसली बोलूँ ना तो इसने ना माँ की जान बचाई थी यार, कसम से यार। मतलब डॉग्स है ना होने चाहिए यार है ना, मैं जब है ना सीरियसली बोलूँ ना जब मेरा खुद का कुछ हो जाएगा ना तब मैं तो है ना लाऊंगा यार एक डॉग, क्योंकि यार है ना मैं सीरियसली बोलूँ ना तो यार है ना मुझे डॉग्स वगैरह बहुत पसंद है लेकिन घर पर अलाउ नहीं करते इसलिए मैं लाता नहीं हूँ। बाकी तो यार है ना मैंने देखो एक बार है ना मैंने जर्मन शेपर्ड भी लाया था, एक मैंने लाया था पग डॉग भी लाया था, एक और मैंने जब है ना मैं उस घर पे रहता था सूरजपाल तब भी मैंने एक लाया था लेकिन घर पे अलाउ नहीं करते इस वजह से मुझे वो वापस देने पड़े। एंड गाइस जस्ट अभी प्लॉट में है ना काफ़ी टाइम पहले दादी और दादाजी ने एक छोटा सा खेत टाइप बना दिया। देखो ये देखो इसमें है ना सीरियसली ना इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ भी है, अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन कौन सी सब्जियाँ लेकिन देखो दिखने में यार सीरियसली बोलो दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मम्मी करेला है कोई है? का है करेले बताओ कौन सा कौन सा तो ये वाला तो है। ये करेला है और तो वो काले हैं तोड़ दिए। अच्छा ये रहा ना करेला, ये आया तो गए। चलो अभी फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ और देखो ये एक जस्ट हमारे पीछे एक नया घर बना है। तो चलो गए फिलहाल अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, थोड़ी देर बैठ गया था यार सुबह सुबह ना मस्त हवा आ रही थी तो आलस भी आ रहा था, ठंड ठंडी हवा आ रही थी ना, तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में बैठा था और अभी मैं बनाऊंगा शॉर्ट वीडियो, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाना है, उसके बाद एक और शॉर्ट वीडियो बनाना, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं नहाने के बाद बनाऊँ क्योंकि यार उसमें ना मुझे ग्रीन पर्दा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो गाइस फिलहाल अभी शॉर्ट वीडियो वगैरह बना दिए थे और मैं सीधा सो गया था यार, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था क्योंकि मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाया था क्योंकि हल्की हल्की बारिश थी और है ना बार बार है ना लाइटें जा रही थी आ रही थी तो उसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर अभी सो जाता हूँ, तो थोड़ी देर सो गया था और अब उठ गया। और फिलहाल यार अभी देखो अभी बजे है शाम के 4, तो मैं जल्दी से जल्दी पहले रेडी हो जाता हूँ और नहा लेता हूँ अच्छे से और उसके बाद चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं कि नीचे क्या सीन हो रखा है। गुरु क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तेरी न्यू साइकिल का है? और हाँ गाइस है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु के एक नई साइकिल लाई है ना, क्या है वो तो बता, मेरी ऑडियंस को नहीं बताएगी? हाँ क्या घुमाऊ, ये वाला कैमरा चालू है पीछे वाला, तो ऐसे कैमरा रखेंगे ना अपन तो हमारा शूट होगा, मैं ऐसे करूंगा तो फिर वो पीछे वाला जो भी शूट होगा वो बंदर शूट होगा। जल्दी जल्दी साइकिल बता। तो भाई है ना गुनू के एक मस्त साइकिल लाई है जो कि यार है ना बहुत ही सुपर्ब है कसम से, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। और ये देखिए आप, ये है साइकिल जो कि गुनू की न्यू साइकिल है, ये चेक करें आप, ये है गुनू की न्यू साइकिल। बट अभी इसको ठीक से ना चलानी आती नहीं है पूरी, क्योंकि ये ना चला तो लेती लेकिन है ना ब्रेक नहीं मार पाती और जब न्यू लाई थी ना तब इसको पैडल मारने भी नहीं आता था, ये उल्टे पैडल मार देती है, इसको है ना ठीक से ब्रेक मारना नहीं आता, पैडल तो मार लेती है अभी ये सीख रही है, पैडल तो मार लेती है लेकिन जो ये ब्रेक है वो नहीं मारा जाता। गुनू ये ब्रेक लगा, ये देखिए ठीक से ब्रेक नहीं मारा जाता, बाकी तो सब वैसे धीरे धीरे सीखेगी यार। चला गुनू चला, आगे देख हैंडल मोड। तो पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, तो ऑल राइट गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और रतन को भी मैंने कॉल कर दिया। सो गाइस फाइनली अभी मेले में पहुंच चुके हैं और ये देखिए बड़े लोग, टाइम दिया था 5 बजे का, तो टाइम दिया था इसको मैंने 5 बजे का और आया अभी है जबकि बजे है 6:30 ऊपर। तो चलो गाइस फिलहाल अभी चलते हैं आगे और अच्छा हुआ कि यार रतन के पास बाइक का इंतजाम हो गया वरना सच में प्रॉब्लम हो जाती कसम से यार, और वापस जाते टाइम भी पहले जाना पड़ता। एंड गाइस ये देखिए मेला और
काफी खाली खाली सा है क्योंकि यार है ना कोई वीकेंड नहीं है ना, दैट्स व्हाई। गणपति बप्पा मोरिया हमेशा तो हम जाते थे दिल्ली में। तेरी वाइफ की नहीं लेनी है भाई, वो तो लेके यार, लेकिन यार मेले से नहीं लेंगे। सही है भाई, देखो बड़े लोग हैं भाई, हम तो यार जो भी खरीदारी करनी होती है मेले से करते हैं, ये बड़े लोग हैं भाई, खुद की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए लेना हो तो सीधा मॉल या फिर बड़ी बड़ी दुकान है, हम छोटे लोग हैं। मेला यार एक्चुअली है ना खत्म होने को है क्योंकि यार है ना काफी टाइम हो गया ना, लास्ट जो सेप्टेम्बर था उसकी 9 तारीख को लगा था मेला ना, 9 तारीख को लगा था क्योंकि यार ये मेला है ना आगे बढ़ाया गया था, तो मे भी है ना इस वजह से क्योंकि सब जने जाकर आ गए ना आगे आगे चले गए तो इस वजह से शायद। देखो गाइस यार बहुत भयंकर भीड़ बढ़ रही है, इतनी भयंकर। चलो यार शू पूछते हैं कि भाई कितने कितने के है। चलो चलो भाई फिलहाल यार अभी शू पूछते हैं। ये रे ये रे ये रे भैया प्राइस क्या है? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, शू कलेक्शन है मेरे पास अच्छा खासा। तो भाई यार जस्ट अभी है ना रतन, हम है ना वो शू देख रहे थे तो रतन ने बोला कि है ना, मैंने वो बोल रहा कि ना 350, तो मैंने कहा यार फिक्स रेट है कम करेगा नहीं, तो रतन ने बोला कि मैं पिछली बार आया था तब है ना इसने है ना यही शू मेरे को 300 में बताया था, तो ये बोला कि है ना मैं काम करता हूँ इसको 300 रुपये पहले दे दो, मुझे पता है कि ये दे देगा 300 में इसने बोला, तो क्या मैं 300 रुपये पहले दे देता हूँ और जाते हुए लेके जाऊंगा। मैंने कहा अगर वो बाई चांस अगर जाते हुए अगर वो बोल गया कि भाई तूने मेरे को पैसे दिए ही नहीं फिर क्या होगा, झूठी हो जाएगी। तो यार आज है ना उस वाले झूले में मैं बैठने का विचार है, यार इस वाले में मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, मेरे को सब चलेगा भाई, वो आकाश झूला चलेगा, ये ब्रेक डांस चलेगा, सब चलेंगे, लेकिन नहीं यार ये वाला भाई साहब नहीं। 3 दिन से देखा हुआ झूला, अभी तक यहीं पे रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। तो गाइस यार आज शेर भी ये 100% अगर ये दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा पक्का, लेकिन हाथ में नहीं आने वाला, हाथ में नहीं आने वाला, लेकिन वो आगे वाला दौड़ेगा तो पीछे वाला उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो गाइस हाँ ये वाला तो इसके ऊपर तो मैं बैठूंगा ही नहीं। तो गाइस यार है ना झूले का मन इतना था, लेकिन रतन है कि बोल रहा है कि यार है ना मुझे वॉमिटिंग की दिक्कत है, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था। मैं क्या खाना बोल जल्दी बोल, कौन सी वाली, एक ये दे दो भैया और एक वो ऊपर वाली दे देना। तो भाई सीरियसली यार है ना ये क्या बताओ, तू हमेशा ऐसे क्यों करता है यार, कसम से ना हमेशा हर मेले में मूड ऑफ कर देंगे भैया, हर मेले में ना इसका यही सीन है हमेशा है ना। अगर मैं जो वॉमिटिंग में होती ना तो मैं सब झूले खाता हूँ, वो भी फ्री में खाता हूँ, मेरा फ्रेंड भी देखा भाई देखा नहीं। यार भाई साहब क्या पैसा निकल गया यार, ये देखो माही भाई अकेले ही जेब रहे हैं। गाइस खाने के बाद यार डस्टबिन में जरूर डाले कचरा। गाइस यार अभी झूले का तो बिल्कुल प्लान है कैंसल, और क्या खाना बोलो, पॉपकॉर्न हर बार ही ऐसा ही होता है। और भाई कसम से यार है ना मेले में आने से पहले है ना मैंने सोचा था कि यार है ना मजा आएगा, भीड़ होगी भाई साहब, यहाँ आकर देखा तो अलग ही सीन हो रखा है, पॉपकॉर्न हो गया भयंकर वाला। चलो गाइस अभी फिलहाल अभी पॉपकॉर्न खाते हैं। गरम है ना भैया? भैया अरे ऐसा हमेशा होता है कि जब भी मेले में आते हैं ना पोपट ही पोपट होता है भाई कसम से यार। और सीरियसली यार है ना मेले में आने से पहले ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मेला ऐसा होगा, बिल्कुल खाली यार, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा भाई ना, कोई झूले तो चलो है लेकिन ये खा नहीं रहा, इसको मैंने बोला कि भाई झूले में अपन दोनों बैठ के क्या करेंगे भाई यार, खाने हैं जस्ट भाई, एक बार खाने थे यार, पिछली बार भी तूने मना कर दिया। तो चलो भाई फिलहाल यार अभी यहाँ आए हैं पिज्ज़ा खाने के लिए, तो अभी जस्ट पिज्ज़ा बन ही रहा है और हम वेट कर रहे हैं पिज्ज़ा का, और पैसे है नहीं जेब में भाई कसम से
कसम से पैसे नहीं है, पिज्जा ऑर्डर कर लिया भाई, मम्मी की कसम, ना इसके जेब में पैसा है ना मेरे जेब में पैसा है, किसी और का बोल के ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं यार। तो चलो फिलहाल अभी रुकते हैं थोड़ी देर, पिज्जा आए तो खाकर फिर चलते हैं। तो चलो भाई फिलहाल अभी हमारा पिज्जा विज्जा आ चुका है, लेकिन देखने में तो यार ठीक ठाक लग रहा है। अब खाने में देखते हैं खाने में कैसा है, कैसा होगा भाई, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा। चलो भाई यार फिलहाल अभी पिज्जा टेस्ट करते हैं कैसा बना। अच्छा है पिज्जा, तो उससे तो बेटर है, ज़्यादा मीठी है भाई, इतना भी जोर नहीं बोल, भगवान का मुंह नहीं खाना है। तो चलो भाई फिलहाल अभी पानी पूरी ट्राई करते हैं। माई भाई जल्दी आओ, देखो कस्टमर आ रहे हैं पीछे। तो भाई फिलहाल अभी रतन ने 80,000 के सूज लिए हैं, जिसमें मेरा घर जाएगा। देखो यार ना हर चीज के देखो दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भीड़ नहीं है ना, तो अपन हाँ सही बोला कि भाई है ना आराम से फैमिली को लेकर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही अगर भीड़ होती ना तो कसम से यार ना, अरे बाप रे गाड़ी कैसे निकलेगा भाई। तो भाई यार जिस तरह का मेला सोचा था वैसा तो यार हुआ नहीं। अब आते ही है ना मेले में आते ही पोपट हो गया था यार, भयंकर वाला। एक तो हाँ, अरे भाई साहब कसम से ना क्या बताऊं भाई, मतलब हम पहले बंदे होंगे जो जेब में पैसे नहीं, भाई साहब जेब में पैसे नहीं और जाके पिज्जा खा रहे, जेब में पैसे नहीं और जाके पिज्जा खा रहे। वो तो भाई ऐसा है कि यार एंड टाइम पे है ना भाई हो गया ऑनलाइन पेमेंट, वरना तो भयंकर प्रॉब्लम हो जाती क्या भाई। वो तो होती भाई, बर्तन बदलने पड़ते फिर यार। इतने बुरे दिन नहीं आए भाई, 80,000 के शूज पहनते हैं, 80,000 के तेरा घर इसमें जाएगा। तो चलो गाइस फिलहाल अभी चलते हैं घर की ओर। तो यार मैं रतन मुझे सूरजपाल छोड़ देना भाई। फिलहाल अभी हम सूरजपाल ना जाके सबसे पहले जा रहे हैं फ्रूट बियर पीने के लिए, क्योंकि यार ना लास्ट टाइम भी है ना पी थी और काफी मजा आया था। तो फिलहाल अभी मैं और रतन सीधा यही जा रही है, यही आ गई है पास में, तो फिलहाल अभी पीकर और फिर चलते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल अभी आ गए हैं जूस सेंटर और फ्रूट बियर पीकर और फिर चलते हैं। लास्ट बार भी यही पी थी और भाई साहब मेरा मसान बाबा की साइड पीते, लेकिन वहाँ एक यार 30 रुपये भाई साहब जोर से नहीं बोलता, वरना ये भी साइज बढ़ा। हाँ ऐसा हो सकता है भाई। चलो भाई फिलहाल अभी पीते हैं, दो फ्रूट बियर कर लेना, मसाला सोडा ऑरेंज सोडा तो क्या पीगा भाई, चलो भाई फ्रूट बियर ना यार। अभी फ्रूट बियर पीकर और फिर चलते हैं सीधा सूरजपाल की ओर। भाई कसम से ना टेस्ट है ना चैन है ना बियर जैसा है ना, अगर थोड़ा अगर कस्टम का अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होती ना भाई, कस्टम से कोई है ना फर्क बता ही नहीं सकता कि भाई। तो चलो गाइस फिलहाल अभी घर पर आ चुका हूँ, फिलहाल यार मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। और हाँ गाइस प्लीज है ना मास्क बंक का वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा हो मेरे चैनल पर तो प्लीज यार है ना जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मास्क बंक का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज यार देखना, काफी दिल से बनाया है, काफी मेहनत लगी है यार। 3 दिन शूट में लग गए थे और 3 दिन वापस एडिटिंग का भी काम था, तो यार सीरियसली बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत लगी है। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, जितना हो सके मास्क बंक वीडियो को शेयर करना और जिसने अभी तक नहीं देखा हो प्लीज देखना एंड तक। तो चलो गाइस फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप गाइस कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू एंड हैव अ ग्रेट डे।